छत्तीसगढ़ में स्कूल अनलॉक, फैसला कितना सही कितना गलत, सरकार के फैसले पर उठे सवाल, सरकार का फैसला बना चुनौती। भीषण संक्रमण से जूझने के बाद कोरोना की संक्रमण दर छत्तीसगढ़ में कम तो हुई, लेकिन स्कूल खुलने के बाद अब एक नए डर का साया मंडराने लगा है। सूरजपुर में 3 बच्चों के संक्रमित होने के बाद अब कोरबा में 7 और बलरामपुर में 1 स्कूली बच्चा पॉजिटिव मिला है। हालांकि छत्तीसगढ़ में संक्रमण दर 0.3% ही है, लेकिन उसके बाद भी खासकर स्कूली बच्चों में संक्रमण ने सरकार को सवालों के घेरे में ला दिया है। विपक्ष स्कूलों को खोले जाने पर राज्य सरकार के निर्णय को गलत करार दे रही है। एक बार फिर विपक्ष ने चेताया है कि संक्रमण दर और सावधानियों को ध्यान में रखकर ही स्कूल खोले जाएं। देखिए, ये संकट अभी गया नहीं है और तीसरे लहर का संकेत भी आ रहा है। हमें अभी और थोड़ी सावधानी ज़्यादा रखना चाहिए और सावधानी के साथ ही कोविड से बचाव और ख़ासतौर से बच्चों को ये तय करने के पीछे कि जहाँ जहाँ कोविड का असर बढ़ रहा है वहां तो अतिरिक्त सावधानी रख के स्कूल खोलना चाहिए। इधर सत्ता पक्ष भी इस बात को लेकर चिंतित है कि स्कूलों में आने वाले कुछ बच्चों में संक्रमण देखा गया है, इसलिए स्कूल खोले जाने को लेकर जो गाइडलाइन बनाई गई है उसकी कड़ाई से पालन के एक बार और निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि अगर संक्रमण के मामले सामने आते हैं तो स्कूल खोलने के निर्णय पर पुनर्विचार भी किया जा सकता है। कोरोना गाइडलाइन है, पूरा उसका पालन करते हुए स्कूल का संचालन करना है। 10वीं और 12वीं चूँकि बोर्ड परीक्षाएं हैं और इसलिए उनका ऑफलाइन क्लास जरूरी है, और इसलिए सरकार ने निर्णय लिया कि जो कोविड-19 के गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए उसका संचालन करें, और कोई भी अगर लक्षण दिखते हैं चाहे बच्चों में हो चाहे टीचर में हो तो वो उसको न आने की मनाही रहेगी, क्योंकि भाई आप मत आइए उसमें। जहाँ तक सवाल है स्कूल खोलने का, अधिकांश जिले में अभी इस तरीके से कोई प्रकरण दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसलिए उन जिलों में तो स्कूल खोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इन जिलों में अगर प्रकरण बढ़ेगा तो सरकार को पुनर्विचार करना होगा। स्कूल खोले जाना राज्य सरकार का एक साहसिक कदम है, ऐसे में बच्चों के संक्रमण के सामने आ रहे मामलों ने सरकार के लिए नई चुनौती खड़ी कर दी। इन्हीं सब चुनौतियों और संक्रमण के डर के चलते 2 साल से स्कूल बंद है, तो सवाल ये खड़ा हुआ कि जब सब कुछ अनलॉक है तो फिर स्कूल क्यों नहीं खुलते। इसका जवाब शायद ये रिपोर्ट खुद दे रही है। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। सियासत की पाठशाला। जी हां, नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और आज का हमारा मुद्दा है सियासत की पाठशाला। कोरोना की वजह से देश भर में पिछले 16 महीनों से स्कूल बंद है। देश कोरोना की दूसरी लहर झेल चुका है और अब तीसरी लहर की आशंका के बीच बच्चों पर इसके गंभीर प्रभाव की चर्चा भी हो रही है। हालांकि इस बीच सब कुछ अनलॉक हो चुका है, कहीं शर्तों के साथ तो कहीं शर्तों के बिना भी, लेकिन इस बीच जो अनलॉक नहीं हुआ वो थे स्कूल। क्योंकि सवाल ये था कि आखिर स्कूलों को आप कब तक बंद रखेंगे साहब, कोई साहसिक फैसला तो लेना ही पड़ेगा, और वो फैसला शायद छत्तीसगढ़ सरकार ने लिया और कुछ शर्तों के साथ छत्तीसगढ़ में स्कूलों को अनलॉक करने का भूपेश सरकार ने फैसला लिया, पर इसके परिणाम अच्छे नहीं रहे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में स्कूल अनलॉक होते ही बच्चों में कोरोना संक्रमण का अटैक फिर शुरू हो गया है। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, सरकार का यह फैसला कितना सही कितना गलत। मिलिए खास मेहमानों से जो आज हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, सुरेंद्र वर्मा जी कांग्रेस प्रवक्ता, संजय श्रीवास्तव जी बीजेपी प्रवक्ता और राम अवतार तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत तिवारी जी आप ही से। राम अवतार जी, कैसे देखते हैं आप सरकार का यह फैसला, क्योंकि छत्तीसगढ़ की बात करें या देश के अलग अलग प्रदेशों की बात करें, बेशक स्कूलों की पढ़ाई प्रभावित हुई, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई, लेकिन सरकार का यह फैसला स्कूलों को खोलने को लेकर कितना सही कितना गलत। सब चीज खुल चुका है, बाजार में माल खुल चुके हैं, स्विमिंग पूल खुल चुके हैं, सारे बाजार में इतनी भीड़ है, उद्योग खुल चुके हैं, तो स्कूल क्यों नहीं। स्कूल खुलना चाहिए, इसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे हैं, जो खासकर स्कूली बच्चे हैं चाहे कॉलेज के बच्चे हों, वो बच्चे आज 17-18 महीने हो गए हैं पढ़ाई, अपने दोस्त, अपने खेल,
अपने एक अलग माहौल से पूरी तरह से वंचित थे, उन बच्चों को सुरक्षा के साथ जी स्कूल खुले, स्कूल की ऑफलाइन पढ़ाई अलग होती है और ऑनलाइन पढ़ाई का अलग अनुभव होता है, तो दोनों पढ़ाई में काफी अंतर होता है। तो वो जो बच्चा स्कूल में जो अनुभव करता है, टीचर के बीच अपनी बातें रख पाता है, तो कहीं ना कहीं स्कूल तो खुलना ही चाहिए था। बिल्कुल। और देश के अन्य राज्यों में भी स्कूल खुल चुके हैं। अब स्कूल खोलते समय किस तरह से सतर्कता बरतना चाहिए, चाहे वो निजी स्कूल हो चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, क्योंकि कोरोना पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में कोरोना कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ दिखेगा ही। आज पूरा ग्रामीण इलाका देखिए, जिस लॉकडाउन में भी ग्रामीण इलाका खुला रहा, लोगों की अपने दिनचर्या का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं, तब अकेले स्कूल से खोलने से क्या हो जाएगा, उसकी थोड़ी थोड़ी समस्याएं तो आएगी। अब उसको अगर डरते हुए एक पूरे जो करीब भारत में 40 करोड़ बच्चे हैं ऐसा माना जाता है, तो अगर भारत की व्यवस्था, अगर राज्य की व्यवस्था, इतने बच्चे जो पूरे उनकी पढ़ाई व्यवस्था ठप बैठी हुई है, कहीं ना कहीं उनको बच्चों को घर से निकालना पड़ेगा बाहर, उनको भी अवसर देना पड़ेगा, कुछ समय देना पड़ेगा और प्रशासन को भी समय देना पड़ेगा। यानी ये फैसला तो अच्छा लिया है सरकार ने, लेकिन उचित व्यवस्था करे कि जहां जा रहे हैं वहां पर उस तरह से बच्चों के बीच अगर बीमारी है, कोई तकलीफ है, तो उससे रोकथाम के लिए एक उसको रोड में बना के काम करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं जितना समझ पा रहा हूँ कि ठीक है, सरकार का फैसला तो स्वागत योग्य है, पर लेकिन शायद नियम और जो गाइडलाइंस तय की गई है, क्या कहीं उन पर चूक तो नहीं हो रही है, कहीं वहां पर ढील तो नहीं बरती जा रही, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। मैं लौटूंगा तिवारी जी आपके पास। संजय जी, क्या मानते हैं आप, कोरोना संक्रमित बच्चों का मिलना ये गलत है, या सरकार का फैसला गलत है, या फिर कुछ और गलत है? देखिए दीपक जी, हम एक सक्षम विपक्ष और मुद्दों के साथ में राजनीति करने वाला विपक्ष है। हम केवल पूरी बातों को करें कि आरोप लगाना हमारा ऐसा विषय नहीं है। बिल्कुल। देखिए स्पष्ट तौर पर मैं कहना चाहूंगा कि देश और दुनिया के अंदर में जिस तरीके से कोरोना फैला, पहला चरण, पहली लहर भी हमने देखा, द्वितीय लहर भी देखा। पहली लहर में हम बहुत अच्छी स्थिति में थे, सरकार के निकम्मेपन के कारण हम द्वितीय स्थिति में सबसे बदतर स्थिति में खड़े हुए दिखाई दिए। देश के उन चुनिंदा एक दो राज्यों में थे जहां संक्रमण की गति सबसे ज्यादा रही, अर्थात कहीं ना कहीं सरकार की फेल्योर था। देखिए बात ये नहीं है, जैसा कि रामोत्सव तिवारी जी ने कहा, ठीक है बिल्कुल स्कूल खुलना चाहिए, सब चीजें खुल रही, तो प्रथम दृष्टया तो बहुत आवश्यक नहीं था, लेकिन ठीक है यदि सब सेक्टर्स को आप खोल रहे हैं, आपने खोला, कहीं दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन बच्चों की चिंता हम तीसरी लहर के पहले कर रहे हैं कि संभावित तीसरी लहर की चर्चा है जी, विदेशों में है, कुछ हमारे राज्यों में केरल, महाराष्ट्र और विशेषकर जो साउथ का क्षेत्र है जो हमारी सीमा से भी लगा हो, उन क्षेत्रों में भी तीसरी लहर के डेल्टा वेरियंट दिखाई दे रहे हैं। अब बच्चों की चिंता किसी भी परिवार के लिए सबसे बड़ी चिंता होती है। अब यदि हम बच्चों के लिए कर रहे हैं, आप तमाम प्रकार के 3 करोड़ लोगों को हम सर्वे कर लेंगे, हम घर घर जाके चेक करेंगे, तमाम प्रकार के विषय सरकार करती है, क्या उन बच्चों को स्कूल खुलने के पहले, जो बच्चे स्कूल तक आना चाहते हैं, उन बच्चों का निरीक्षण परीक्षण क्या हम उनके घर तक जाकर नहीं कर सकते थे? यदि हम स्कूल वालों को इसमें ड्यूटी लगाते तो कहीं ना कहीं वो बच्चा संक्रमित था, उस परिवार के कोई ना कोई अभिभावक संक्रमित थे, इसीलिए पहले दूसरे दिन ये सब चीजें सामने आई। अर्थात सरकार की जो दावेदारी थी कि नहीं कोरोना नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूं, यहां पर जो चेक होना चाहिए, जो टेस्टिंग होनी चाहिए, केवल हवा हवाई है। मुझे लगता है कि स्कूल खुलने के पहले, क्योंकि स्कूल के बच्चे छोटे हैं, 9 से 14 के बच्चों की रिपोर्ट आई है बलरामपुर या कोरबा की जो मैं पढ़ रहा था, अर्थात आप ये कर सकते थे, कितने बच्चों के स्कूल के अंदर में 500 होंगे, 200, 500, 1000 बच्चे होंगे, अभी भी उपस्थिति पूरी नहीं है, 50% उससे भी कम है, क्योंकि अभिभावक डर रहे हैं। ऐसे समय में एक सरकार को एक योजना बनानी थी। संजय जी, मुझे संजय जी ये समझाइए ना, एक तरफ कृषि मंत्री को अभी आपने सुना, सरकार के ही प्रवक्ता भी हैं, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे कह रहे हैं कि अभी प्रदेश के अधिकांश जिलों में नहीं है, कुछ एक छिटपुट मामले आए हैं, अगर ऐसा केस बढ़ता है तो जरूर पुनर्विचार किया जाएगा, तो सरकार उसकी भी तैयारी कर रही है, फिर विपक्ष सरकार के इस फैसले को क्यों नकार रहा है? देखिए दीपक जी, हम सरकार के फैसले को नकार रही, सरकार तो कर रही है ना, हम खड़े होकर आंदोलन करके रोक तो नहीं रहे जी। लेकिन कल तक ये बात थी रामोत्सव तिवारी जी के प्रेस से कि हमारे बस्तर के कुछ क्षेत्र संक्रमित हैं, लेकिन आज जो रिपोर्ट आ रही है कि कोरबा और बलरामपुर अर्थात दूसरे क्षेत्र में भी संक्रमण है जी, कि कोरबा अलग अलग जिला है,
सरगुजा अलग है जहां बलरामपुर की बात आ रही है, तो मुझे लगता है ये तो हर जिलों के अंदर में स्थिति आनी है। कुल मिलाकर जो कोरोना के विषय में जो टेस्टिंग होनी चाहिए, जो संक्रमण दूर होने चाहिए, जांच होनी चाहिए, इस मामले में सरकार ईमानदार नहीं है। याने, याने, आप मानते हैं कि ये एक संकेत है, ये शुरुआती संकेत है, सरकार को जागरूक होना चाहिए। देखिए कम से कम दीपक जी, दो लहरों का सामना किया है, अनेक मौतें हुई हैं, अनेक परिवारों को नुकसान हुआ है, अब तो हमको गंभीरता बरतने की आवश्यकता है। स्कूल खुलने के पहले हम कैसी कौन सी कार्य योजना बनाएं ताकि इस तरह की स्थिति पर हम नियंत्रण पा सके। मुझे लगता है कोरोना के मामले में हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन पहले दिन ही यदि रिपोर्ट आ रही है पॉजिटिव की, इसका सीधा अर्थ है ये सभी जिलों के अंदर में स्कूल खुलेंगे। मैं दावे के साथ में कह सकता हूं इस तरह के संक्रमण की स्थिति बनेगी। केवल कोरीबाजी की हमारी तैयारी है, ये है, हम उसको पहले ही रोके ना, हम पहले ही रोके उसको। इससे पहले कि अभी एक न्यूज और बता रहा हूं दीपक जी, सुनिए, अभी आज ही पेपर में आया है कि अभी जो 11 लोग 11 दिनों में जो 25 लोग तो इन्होंने रायपुर ना राजधानी की बात कर रहा हूं जो टेस्टिंग हुई है, जो पॉजिटिव आए हैं उनका कांटेक्ट और ट्रेसिंग ही नहीं हो रही है, सरकार कर ही नहीं पा रही, कहां चलेगा बोल रहे हैं, पेपरों में आए, समाचार आया है। मतलब आप कितने गैर जिम्मेदार हैं कि जिनकी टेस्टिंग हुई, अरे टेस्टिंग के समय उनका पता आता ये कहां के लोग हैं क्या है, जब पॉजिटिव आया उनको 25 लोग मिल ही नहीं रहे, अब ये कितने लोगों को कोरोना संक्रमण फैलाएंगे। ये स्थिति सरकार की है प्रदेश के अंदर में, आप केवल बात करेंगे आंकड़े करेंगे ऐसा नहीं है। मैं जवाब ले लेता हूं, तीसरी लहर को रोकने के लिए हमें थोड़ा सा संवेदनशीलता के साथ में काम करना। चलिए जवाब ले लेता हूं, सुरेंद्र जी क्या कहेंगे, क्या तैयारी है, क्योंकि देखिए आप भी जानते हैं हेल्थ इज अ सब्जेक्ट ऑफ स्टेट। अक्सर मैं देखता हूं छत्तीसगढ़ सरकार केंद्र पर भी आरोप लगाती है अलग अलग विषयों को लेकर, लेकिन ये विषय तो आपका है, क्या सरकार निश्चिंत है या कुछ तैयारी है, क्योंकि कई सवाल श्रीवास्तव जी ने भी उठाए। दीपक जी, स्कूल खोलने का जो विषय है वो राजनीति का तो बिल्कुल नहीं है। बहुत दुखद है कि वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के संजय श्रीवास्तव जी, निकम्मेपन का आरोप लगा रहे हैं। ये आईने में देख ले कि कल जो पूरे देश में 42,026 मामले मिले हैं और छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो कुल 142, जिस रायपुर में ट्रेसिंग की बात कर रहे हैं रायपुर में 8 मामले मिले थे और जिन 5 जिलों की ये आज बात हो रही है, बलौदाबाजार में कुल 4 मामले आए, सूरजपुर में 3, बलरामपुर में 1 और कोरबा में 2। दीपक जी मेरा निवेदन है, ये साहसिक निर्णय है, 17 महीने बाद जो स्कूल खुल रहे हैं, कोरोना प्रोटोकॉल गाइडलाइन सतर्कता और सावधानी जो बरती जा रही है उसके संदर्भ में यदि विपक्ष के पास कोई सलाह या सुझाव है तो उसका स्वागत है। नहीं सुरेंद्र जी, संजय जी तो कह रहे हैं कि तैयारी की दर आपके चरण के हिसाब से ट्रेसिंग क्यों नहीं हो पा रही है, 0.3% ट्रेसिंग क्यों नहीं हो पा रही है, संजय जी ने भी यह सवाल उठाया। किस ये तथ्यहीन आरोप न लगाए, ट्रेसिंग एक संक्रमित के संदर्भ में 50 लोगों की ट्रेसिंग की जा रही है, यह तथ्यहीन आरोप लगाने के बजाय देखिए कल का मैं आंकड़ा बता रहा हूं, छत्तीसगढ़ में जो है 40,555 टेस्ट हुए। चलिए संजय जी 142 बैठे हैं, केवल 3 जिले जहां दहाई के आंकड़े में पहुंचा गया। सुन लीजिए दीपक जी, मेरा निवेदन है स्कूल खोलने से पहले जी बात पूरी करने से पहले सरकार तमाम जो एक्सपर्ट है उनकी भी राय ली गई और जो गुलेरिया हैं, जो एम्स के डॉक्टर हैं, उनका भी ये सलाह था कि छत्तीसगढ़ में स्कूल खोला जाए। 1% से जब संक्रमण की दर कम होती है तो स्कूल खोलने के लिए सहमति बन जाती है, छत्तीसगढ़ में तो 0.3% है और लगातार इस प्रकार से ये बात कर रहे हैं। पहले दिन भी छत्तीसगढ़ में प्रमुख सचिव है शिक्षा डॉक्टर आलोक शुक्ला, वो पलारी गिर्रा रायपुर के आत्मानंद स्कूल और तमाम जगह न केवल स्कूल की व्यवस्था देखी, स्कूल में देखिए दीपक जी थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था, सैनिटाइजर की व्यवस्था और डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए आधे स्टूडेंट्स को बुलाया जा रहा है और उसके बावजूद उपस्थिति किसी भी स्कूल में अनिवार्य नहीं है, पालक की लिखित सहमति के बाद, और ये उपस्थिति के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है जो है इस प्रकार से क्रमिक स्कूल खोलने की व्यवस्था कर रही है। जी ये सुरेंद्र जी बहुत अच्छी बात है, देखिए सरकार के स्कूल खोलने के फैसले का विरोध कोई नहीं कर रहा है, पार्टी के संजय जी ने भी फैसले का स्वागत किया लेकिन वो आगाह कर रहे हैं, मैं खुद व्यक्तिगत फैसले का स्वागत कर रहा हूं। संजय जी मेरा निवेदन है दीपक जी, मेरा निवेदन है दीपक जी, मध्य प्रदेश में पिछले सोमवार से स्कूल शुरू हो गए हैं, जबकि हम रिकवरी रेट जो है 98.46 है छत्तीसगढ़ में, जो देश के औसत से लगभग 1.5% ज्यादा है,
तो हमारे यहाँ संक्रमण का आंकड़ा कम है, 0.3% है, रिकवरी रेट जो है 98.46 है, जो राष्ट्रीय औसत से 1.5% ज्यादा है। फिर छत्तीसगढ़ में तो फुल प्रूफ प्लान के साथ प्रत्येक बीओ और डीओ को जिम्मेदारी दी गई है, जो स्थानीय स्तर पर जो ग्राम पंचायत है, शहरों में जो वार्ड की समितियां हैं, जो शाला समिति है, जो शिक्षक है और जो पालकों की समिति बनी है, उनकी सहमतियां नहीं मांगी है। आप भारतीय आरोप लगा रहे हैं क्यों है, ये बार बार बोलते हैं सियासत का विषय नहीं है, लेकिन गलती राजनीति जो है ये इनका निकम्मापन है, देश में कोरोना के संक्रमण क्यों फैले हैं। संजय जी देखिए ऐसा है दीपक जी, मैं तो बहुत संवेदनशीलता के साथ में चर्चा कर रहा था, ये हड़बड़ाने लगे तो इसमें मेरी गलती नहीं है। पहली चीज कि मैंने स्कूल खुलने का विरोध नहीं किया, स्कूल खुलना चाहिए, स्वागत करता हूं, मैंने कहा मना किया, मैंने भी इस बात की पैरवी की जी, लेकिन जो चीजें सामने आ रही है मैं नहीं कर रहा हूं, मीडिया पे तो विश्वास है ना, बीजेपी की बातों को आप नहीं करते हैं। आज ये चर्चा आखिर बंसल न्यूज ने क्यों रखी, क्योंकि मेरा निवेदन है जहां संक्रमण की दर कम है वहां की सरकार का निकम्मापन है कि ये देश की सरकार का निकम्मापन है। सुनो तो भैया मेरी बात तो सुन लो, नहीं नहीं आप गलत बयानी कर रहे हैं। अरे सुनो तो देखो क्या है, संजय जी आप पुलिस नेता हैं, जहां रिकवरी रेट कम है संक्रमण दर ज्यादा है वहां की सरकार निकम्मी है। सुन लीजिए, यदि डिबेट की दिशा को बदलना है तो कोई बात नहीं, डिबेट की दिशा को बदलना है तो कोई दिक्कत नहीं। आज यदि चर्चा हो रही है, देखिए आंकड़ों का समय समाप्त हो गया सुरेंद्र जी, एक व्यक्ति की, एक बच्चे की भी मौत होती है, एक व्यक्ति की भी मौत होती है, ये सरकार को परेशान करने वाला विषय बन सकता है। आज इस पर चर्चा हो रही है, गया 98-99, केंद्र भी रोज आंकड़े जारी करता, 97% रिकवरी रेट है। सुन लीजिए बिल्कुल, और केंद्र सुनिए, केंद्र कोई व्यवस्था नहीं है, केंद्र फिर से मैं समझा रहा, सभी राज्यों के आंकड़ों को मिलाकर वो प्रस्तुत करता है कि देश के अंदर में कितने पॉजिटिव आए हैं, आप लोग समझते ही नहीं है। ऑक्सीजन के समय भी आप राजनीति करें कि केंद्र में, केंद्र नहीं बता रहा, अरे भाई जब प्रदेश आंकड़े देगा उसी को कलेक्ट करके वो बता देंगे। ना, मैं तो भाजपा शासित राज्यों से तुलना कर रहा था। अरे भैया सुनो तो, मेरी बात को सुन लो, आप बोलना, आईसीएमआर की गाइडलाइन है, केंद्रीय विद्यालय खुल रहे हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार है। अब सुन लो, आपको यदि दिशा बदलना है तो मैं भी बदल सकता हूँ दिशा को, खत्म सुनिए, आईसीएमआर कर रहे थे पहली लहर में, ना 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 नहीं, लहर में आप आधारहीन बात करेंगे, केवल राज्य सरकार, अरे क्या स्थिति बनी, सब किसका है, आप गलत बयानी कर रहे हैं, क्या गलत बयानी आप कर रहे हो, क्या स्थिति बनी है सेकंड लहर में, दूसरा राज्य संक्रमित, वही तो मैं कह रहा हूँ, आज पूरे देश की तुलना में 1.5% रिकवरी रेट ज्यादा है, हमारे यहाँ संक्रमण की दर 0.3% में लगे, जांच ही नहीं करा रहे हो, जांच को कराइए, आंकड़े बनाने के लिए 0.1% जांच ही नहीं करा रहे, ये बच्चा कहां से संक्रमण निकल गया, 40,555 जांच हुए, ये आप गलत बयानी बंद कर दीजिए, ये गलत बयानी बंद कर दीजिए, राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है, सुनो सुरेंद्र जी, गलत बात, अरे ये बच्चा कहां से संक्रमित निकल गया, सुन लीजिए संजय जी, क्या पहले बच्चे संक्रमित नहीं होते थे, मेरा निवेदन है, इतने महत्वपूर्ण विषय पर आप केवल, अगर 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 12-15 बच्चे संक्रमित हुए हैं तो उन स्कूलों में 100% सुन लीजिए, उन स्कूलों को कलेक्टर ने बंद करवाकर 100% बच्चों की जांच करवाई है, पढ़ लो, ट्रेसिंग नहीं हो पा रही, गलत आरोप, दीपक जी इस सरकार के साथ यही दिक्कत है, यदि इसको आईना दिखाओ या समझाओ, आप कहते हैं ना कि नहीं सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए, इनके साथ तो दिक्कत है, 98% मैंने पिछले कई डिबेट्स में देखा, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर, हमें इसमें नहीं फंसना, अब वर्तमान की क्या तैयारी है, क्योंकि ये झूठ बोलते हैं, ये भ्रम फैलाते हैं, ये गलत बयानी करते हैं। चलिए देखिए, मेरे पास समय की कमी है, मैं बहुत छोटी छोटी आप दोनों की प्रतिक्रिया लेना चाहता हूं। सुरेंद्र जी मुझे बस संक्षिप्त में बताइए, अभी वर्तमान के हालातों को लेकर सरकार की क्या तैयारी है? कोई तैयारी नहीं, प्रत्येक स्कूलों में, दीपक जी मैंने पहले भी कहा, जो समिति है, जो पालक समिति है, वार्ड पार्षद है, गांव में पंचायत समिति है, पालकों की सहमति अनिवार्य है, और स्कूलों में पूरी व्यवस्था है, थर्मल स्कैनिंग होना अनिवार्य है, 50% से अधिक उपस्थिति नहीं होना चाहिए, और किसी भी बच्चे को बाध्य नहीं किया जा रहा है, और जहां ये केसेस निकले हैं उन स्कूलों को बंद करके, अगर एक स्कूल भी, बलरामपुर स्कूल में केवल एक छात्र संक्रमित मिला है, और उस स्कूल के 100% छात्रों का जो है टेस्ट करवाया गया, और ये एहतियात बरत रही है सरकार, इसमें किसी भी प्रकार से पूरी तरह से गंभीर है, और हमारे सचिव और प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी भी फील्ड में जा रहे हैं, जिला शिक्षा अधिकारी जो है वो फील्ड में जा रहे हैं, सतत निगरानी की जा रही है, और जनप्रतिनिधियों को भी उसमें इन्वॉल्व किया गया है,
तो सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। बस्तर में 320 आश्रम स्कूल है, छात्रावास है 118, उनको भी खोलने के लिए आयुक्त ने सहमति दी है। हमारे यहाँ जो आंगनबाड़ी है 26 जुलाई से खुल गए हैं दो पाली में, आधे आधे लोगों को करके, क्योंकि कुपोषण भी एक बड़ी समस्या है छत्तीसगढ़ में भाजपा के कुपोषण में। कुपोषण आने वाले वक्त में देखना होगा, जो तैयारी आप बता रहे हैं निश्चित रूप से क्रमिक रूप से फेहरिस्त बड़ी लंबी है, जो तैयारी आप बता रहे हैं मुझे आने वाले वक्त में देखना होगा इसके क्या परिणाम निकलते हैं। और संजय जी के आरोप अपनी जगह है। दीपक जी संक्षिप्त, मैं तो पेपर पढ़ रहा हूँ, पॉजिटिव आते ही लोग हो रहे हैं गुम, 11 दिन में 21 लोगों से नहीं हुआ संपर्क, ये हेडिंग है आज की। मैं थोड़ी ना बोल रहा हूँ भाई, भाजपा वाले तो झूठ बोलते हैं, लेकिन ये समाचार पत्र को तो तथ्य मान लो आप। आपने बलरामपुर का एक की तो घटना बता दी, कोरबा में 7 बच्चे संक्रमित हुए, वो आपके मुंह से नहीं निकला। ये हमको राजनीति नहीं करनी है। चलिए राम अवतार जी, क्या मानते हैं? पूरी चर्चा आपने सुनी, सरकार की अपनी तैयारी है, विपक्ष के अपने आरोप है। राम अवतार जी, देखिए ऐसी ही एक भय का वातावरण है, इस भय के वातावरण के कारण, तैयारी कम होने के कारण ऐसी स्कूल खुल नहीं रहे हैं। बहुत ही साहस तरीके से सरकार अगर स्कूल खोलने का फैसला कर रही है, उस फैसले में कुछ दिन धैर्य रखना चाहिए जी। और स्कूल किस तरह से खुल सकता है, क्या क्या सतर्कता बरत सकते हैं, उस सतर्कता के बीच इसमें अगर ज्यादा हो हल्ला होंगे तो ऐसी ही स्कूल में बच्चे जा नहीं रहे, 2-4-5 लोग जा रहे हैं, 10-20 लोग चले गए, बड़ी बात है। स्कूल खुलने के बाद अभी भी पढ़ाई का वातावरण नहीं बना है जी, स्कूल में बच्चे जा नहीं रहे हैं, और अगर इस तरह से खबरें और आती रही और इस तरह से अगर सरकार ने जो व्यवस्था है वो चुस्त दुरुस्त नहीं किया, या जो निजी स्कूलें हैं वो अगर व्यवस्थित नहीं किए, तो एक लंबा कार्यकाल और चला जाएगा, तो बच्चों के लिए अहित है। इसमें राजनीति से हटकर उन बच्चों के हित को देखते हुए हर तरफ से ये फैसला लिया जाना चाहिए, कहीं किसी हालत में बच्चों के स्कूल खुले, पढ़ाई हो, उनको एक उचित मार्गदर्शन मिले, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में चले गए। 20 सेकंड में संजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जो एक बच्चे बिगड़ संजय जी ध्यान से, क्योंकि पालक भी देख रहे हैं आपकी और सुरेंद्र जी की बातचीत सुन के, पालक पेरेंट्स कहीं डर ना जाए। अभाव है उसके बीच नहीं, देखिए दीपक जी, देखिए दीपक जी, मेरा स्पष्ट मानना है, स्कूल खुलता है हमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है, स्कूल खुलता है हमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सरकार पूरी तैयारी के साथ में इन कामों को करे, क्योंकि स्कूल खुलना उतना आवश्यक नहीं है। यदि किसी एक बच्चे की जान जाना ये महत्वपूर्ण जरूरी, ये महत्वपूर्ण है, स्कूल खुलना महत्वपूर्ण है। वैसे भी छत्तीसगढ़ इस मामले में बहुत नुकसान खा चुका है दूसरी लहर के अंदर में सरकार की गैर जवाबदारी के कारण और गैर जिम्मेदारी के कारण, इसलिए सरकार को एक बार फिर से पुनर्विचार करके पूरी तैयारियों के साथ इसकी करना चाहिए। विपक्ष साथ में है जी, इसमें कहीं हमारा विरोध का विषय नहीं है। चलिए ये बहुत अच्छा जश्न है संजय जी, विरोध नहीं है लेकिन एक आगाह करने के लिए जरूर आपने ये बात रखी है, और सरकार को इस पर पुनः विचार करके तैयारी के साथ सख्ती के साथ ध्यान रखना चाहिए कि तीसरी लहर में कहीं बच्चे प्रभावित ना हो, क्योंकि बातें तो ऐसी ही कही जा रही है। तैयारियों की बातें सुरेंद्र जी ने कही है, देखना होगा सरकार की क्या तैयारी है। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, सुरेंद्र जी, संजय जी और राम अवतार जी। तो सरकार के अपने दावे हैं कि तैयारी पूरी है, हम नियमों का पालन कराने के लिए सख्ती भी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ पालक भी चिंतित हैं, क्योंकि पालकों की ये पेरेंट्स की ये चिंता है कि अगर वो बच्चों को स्कूल भेजेंगे तो कहीं उनके बच्चे पर तो एक खतरा नहीं मंडराएगा, तीसरी लहर क्या कहेगी, ये तमाम अलग अलग सवाल हैं। लेकिन देखना होगा निश्चित ही आने वाले वक्त में तीसरी लहर का प्रकोप कितना होगा। इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।